सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश, सर कौन से गांव के रहने वाले हो आप? गांव गुबरला। अच्छा, यहाँ पे सर किस लिए आए थे हमारे यहाँ पे पास? आपके पास आए थे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने। क्या दिक्कत हो रही सर? बच्ची को क्या दिक्कत हुई थी जब आए थे हमारे पास तब? इसका सर पहले कई जगह इलाज करवा लिया मैंने, जैसे झुंझुनू करवा लिया, सिकर भी करवा लिया, चिड़ाव भी करवा लिया, लेकिन वो खाने वाली एलर्जी है, गेहूं की गेहूं की एलर्जी। एलर्जी है ना, जिसे व्हीट एलर्जी बोलते हैं अपन। तो बच्ची के जब गेहूं की एलर्जी थी तो इसको भूख वगैरह लगती नहीं लगती थी या पेट में दर्द होता था, क्या क्या समस्या थी? ये तो खाना पीना तो बिल्कुल बंद कर दिया इसने, हाँ, और मतलब पानी के लिए भी इच्छा नहीं होती थी कि पानी भी पी ले। अब एकदम बिल्कुल स्वस्थ है क्या बच्ची? बिल्कुल संतुष्ट है आपके इलाज कौन में, कौन और सी दवाई दे रहे हैं हम? कौन सी दवाइयां ले रहे हो आप? दवाई तो आपकी होम्योपैथी चल रही है। होम्योपैथिक दवाइयां चल रही है ना? हाँ, जब हमारे पास आए थे तो इनका टीटीजी लेवल कितना था? तब टीटीजी लेवल था 800। आज जब अपन ने रिपोर्ट करवाई है आपने, उस रिपोर्ट में कितना आ गया है? अब 7 पॉइंट कुछ है। 7 पॉइंट कुछ है, मतलब एकदम नॉर्मल आ गया है टीटीजी लेवल। तो होम्योपैथिक दवाइयां जो हमारे क्लिनिक पे लिए उससे आप संतुष्ट हो क्या? बिल्कुल। बिल्कुल सर संतुष्ट है। अब लोगों को आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के? क्योंकि लोगों के मन में ऐसे भ्रांति है कि होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज नहीं होता है, जो गेहूं की एलर्जी है तो जिंदगी भर ही एलर्जी रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसके बारे में आप लोगों को या फिर लोगों ने आपको क्या बात कही, आप अब क्या कहना चाहते हो उनको? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस बच्ची को लेकर जहां जहां घुमाओ ना, वहां वहां जो जो भी डॉक्टर मिले उन्होंने कहा कि ये पूरे लाइफ चलेगी, और पूरे लाइफ का नाम सुन के मैं तो घबरा गया कि पूरे लाइफ चलेगी। तो ये तो बच्ची की उम्र 3.5 साल है, और 3.5 साल का मतलब 70 साल भी बच्ची जीती है, 60 साल भी जिएगी, तो 60 साल दवाई दो। हाँ सही है। और 60 साल दवाई दिलाना मतलब शरीर का तो एकदम नाश हो जाएगा। हाँ अंग्रेजी दवाइयां चलती है, और अंग्रेजी दवाइयां पता ही है, हाँ कोई ना कोई साइड इफेक्ट छोड़ती है। फिर आयुर्वेद वाले हैं, उनको भी मैंने दिखाया, तो आयुर्वेद वाले भी बोले दवाई तो लेनी पड़ेगी, लेवल है दवाई लोगे तो घटा रहेगा, और बंद कर दोगे तो बात। तो मतलब अब यह है कि लोगों को आप बोलोगे ना कि होम्योपैथिक दवाइयां काम करती है, लेनी भी चाहिए। बच्ची की हालत आपको पता ही है कैसी थी, क्या हो गई अब? एकदम सही बिल्कुल। है ना, एकदम चंचल है, खेल रही है। उस टाइम पे तो हाँ, खेलती भी नहीं थी, एकदम खूब बदमाशी करती है, उस टाइम तो सोई रहती थी। अब और बिल्कुल ठीक है ना। मेरे खुद को बुखार रहती थी कि यार बच्ची भगवान ने दी और ऐसा क्या कर दिया ये। तो अब आप होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए लोगों को जागरूक करोगे? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।